Hey guys, my name is Ashish and you are watching my 30 days how to earn video series. ये इस वीडियो सीरीज का सेकेंड एपिसोड है जिसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज इवेंट ब्लॉगिंग, हाउ टू अर्न मनी विद इवेंट ब्लॉगिंग। तो स्टार्ट करते हैं, इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है, इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के ऊपर मैंने एक इवेंट ब्लॉगिंग स्क्रिप्ट तैयार की है, देखते हैं इसमें क्या होता है। आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में ऐसा व्हाट्सएप पे एक लिंक आते हुए देखा होगा जिसमें लिखा रहता है कि इसने, मतलब जो भी बंदा है, एक्स वाई जेड ने आपको एक लिंक भेजा है जहां पर ये विशिंग होती है एंड आप इसको बहुत ज्यादा शेयर करते हो, क्योंकि ये शेयर होने वाली चीज है, इंडिया में बहुत शेयर होता है। इवेंट ब्लॉगिंग से यकीन मानिए आप एक दिन में 300-400 डॉलर भी अर्न कर सकते हैं अगर ये वायरल हो जाए। तो मैं ये भी बताऊंगा ये कैसे वायरल होगी, कैसे आप इसको मोनेटाइज करेंगे, जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे देखो आपको एक अच्छा सा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा जो फुली रेस्पॉन्सिव है, मोबाइल व्यू भी इसका सेम यही आने वाला है। मैंने इसमें एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ अपनी एक वीडियो का, URL शॉर्ट करा हुआ है जो मैंने कल आपको बताया था कि हाउ टू अर्न मनी विद URL शॉर्टनर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, हाउ टू अर्न मनी। देखो अब यहां पर मैंने अपना URL छोटा लगा दिया और अपनी वीडियो सीरीज का जो है लिंक दे दिया, और एंटर योर नेम, अगर मैं अपना नाम यहाँ पे डालता हूं और क्लिक करता हूं तो ये मेरे को सेंड विद योर व्हाट्सएप फ्रेंड्स, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये जो है व्हाट्सएप पे मेरे लोगों, मतलब रिडायरेक्ट हो जाएगा और मैं जिसको सेंड करूंगा वो अपना नाम डालेंगे, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, इस तरीके से बहुत ज्यादा वायरल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे, अब मैंने बता दिया क्या इवेंट ब्लॉगिंग है, मैं आपको ये जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे इवेंट की जो स्क्रिप्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हाउ टू प्रमोट इवेंट ब्लॉगिंग एंड हाउ टू मोनेटाइज इस, मोनेटाइज मतलब आप इसको अर्न कैसे करोगे, आप इसमें मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया पर अर्न कैसे करोगे, ये सब कुछ होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है इसको बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ओपन किया अपना क्रोम ब्राउजर, मैंने सर्च किया ब्लॉगर, ब्लॉगर ही क्यों, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट यहां पे क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, खुद की होस्टिंग क्यों नहीं यूज कर रहे, हम सब मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। ब्लॉगर एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है बाय गूगल जिसमें आपको कोई एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना था, चाहे वो होस्टिंग के लिए, चाहे वो इसका एक सब डोमेन के लिए, आपको जस्ट एक सब डोमेन होता है। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अगर आपने आज तक ये नहीं चलाया, जस्ट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आप बस देखते रहिए। आपको गूगल पे सर्च करना है ब्लॉगर, फर्स्ट जो भी लिंक होगा blogger.com का उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा विंडो जो है ओपन होगी, कंफर्म योर प्रोफाइल, आपको डिस्प्ले नेम मैं कुछ भी डाल दे रहा हूं, मतलब आपको अपना डिस्प्ले नेम डालना है, जो भी आपको डालना है अपना नाम डालिए यहाँ पे, कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपको कुछ ऐसा विंडो, एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे न्यू ब्लॉग, न्यू अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो न्यू ब्लॉग यहाँ पे इस टाइप से आएगा, वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि आप लैपटॉप में ही इसको यूज करिए अपने पीसी में, क्योंकि वैसे इंटरफेस आपको अच्छा नहीं लगेगा। न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, न्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद टाइटल देना है, मैं टाइटल दे रहा हूं इसको रिपब्लिक डे एंड एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना वो डालना है जो आपको सब डोमेन रखना है, मैंने सब डोमेन डालना है 26 जनवरी blogspot.com, दिस एड्रेस इज अवेलेबल, तो मैं इसको क्लेम कर देता हूं, क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देता हूं और ये हो गया, सिंपल स्टेप है। अब ये जो है मेरा, अब अगर मेरे को ये डोमेन खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूं, पर मुझे अभी डोमेन नहीं खरीदना है, मेरे को बस सब डोमेन ही रन करना है, तो मैं इसको नो थैंक्स पे क्लिक कर देता हूं, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देखते हैं क्या रेडी हुआ। तो भैया ये इस टाइप का इंटरफेस अभी है, अभी हमें इसको पूरे को कन्वर्ट करना है इस इंटरफेस में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने जो ब्लॉगर वाले अकाउंट में है, जो हमने अभी ब्लॉग बनाया, यहां पर थीम का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है,
थीम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले कोई भी सिंपल थीम चूज कर रही है। हम सिंपल क्यों चूज कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका एक रीजन है, डायरेक्ट आपको कोड नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हमें सेटिंग में जाके नो शो डेस्कटॉप थीम ऑन मोबाइल। इससे क्या होगा कि जो क्या बोलते हैं आपकी डेस्कटॉप थीम होगी वही आपकी मोबाइल में जाएगी, ठीक है। तो आपको बस इस नो पे क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगी। सिंपल स्टेप, आपको एक सिंपल जो है थीम चूज करनी है। यहां से करने के बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके नो पे क्लिक करके सेव कर देना है, जिससे वो मोबाइल के लिए भी आपको शो हो, वरना सिर्फ डेस्कटॉप में ही शो होगी। नाउ रिवर्ट टू क्लासिक थीम पे क्लिक करने के बाद रिवर्ट टू क्लासिक थीम अगेन। एंड ये जो आपका यहाँ ये सेक्शन है, ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन कीजिए, आपको ये जो है कोड आपको जुका तो मिल जाएगा। इस कोड को कॉपी कीजिएगा, यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको सेम थीम पे क्लिक करना है। सेम थीम पे क्लिक करने के बाद अब अगर आप व्यू ब्लॉक करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये कंप्लीटली रेडी नहीं है, आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। तो हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आप जब नीचे जाएंगे, मतलब नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप जस्ट सर्च कीजिए यहां पे 20REP सर्च करोगे तो आपको मेरा ब्लॉग स्पॉट का जो है लिंक दिख जाएगा। इसको हटाकर आपको अपने ब्लॉग स्पॉट का लिंक डाल देना है यहां से, ठीक है, जो आपका होगा। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना और आपका ये जो URL है ये आ जाएगा, ये URL आपको यहाँ पे डाल देना है। सिंपल, ये चेंज करने के बाद like मैं अभी कर देता हूँ 26January.blogspot.com, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। जो पहले से है like, अगर मैंने 26 जनवरी क्लेम कर लिया है तो आप वापस से वो नहीं ले सकते, आपको कोई एक यूनिक चूज करना होगा, ठीक है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते। कभी आप सोचे कि मुझे मिल गया, आपको क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको कोई डिफरेंट नेम वहां पे डालना होगा, मेक श्योर वो ज्यादा लॉन्ग ना हो, वो स्मॉल हो, 15 कैरेक्टर से। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी एक चेंज हमने अभी तक किया है, क्या चेंज किया है, अपना लिंक डाला है, जो इसमें लिंक था उसको रिप्लेस करके अपना लिंक डाला है। सिंपल टर्म में आपको यहाँ पे एक काउंटडाउन दिख रहा होगा, ये आपको चेंज नहीं करनी, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको ऊपर एक मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, अब आपको ये जो इंटरफेस दिख रहा है, अभी आपको इसमें से ये लिंक हटाना है, मेरी वीडियो हटानी है। तो ये कैसे हटाना है, आपको यहां पर सर्च करना है, Ctrl+F दबाकर आपको सर्च करना है ADSENSE AdSense। AdSense का जो फर्स्ट कोड है वो मैंने यहां पे कुछ नहीं डाला है। अगर आपको कोई गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा, आपको यहां पे उसका कोड पेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं सेकेंड ऑप्शन पे जाता हूँ, AdSense 2 पे यहाँ पे मैंने आई फ्रेम करके अपनी वीडियो का जो है डाला हुआ है लिंक। ये वीडियो का लिंक आप हटा के किसी और का रिप्लेस कर देना, इसको हटा देना, दूसरी लगा देना, या फिर आप एडसेंस का कोड लगा सकते हैं। थर्ड में ये मैंने अपना शॉर्ट किया हुआ URL डाला हुआ है। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ये HTML की छोटी सी कोडिंग है, सिंपल सी, जिसमें आपको यहां पर अपना शॉर्ट किया हुआ URL पेस्ट कर देना है। टारगेट ब्लैंक, देखो एंगल टैग ए एच रेफरेंस, यहां पर आपको अपना इन ब्रैकेट्स के बीच में अपना लिंक पेस्ट कर देना जो आपने शॉर्ट किया हुआ है। टारगेट ब्लैंक का मतलब यह है कि ये सेकंड दूसरी विंडो में ओपन होगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। टारगेट ब्लैंक किया इसलिए दूसरी विंडो में ओपन हो रहा है, ठीक है। थर्ड है हाउ टू अर्न मनी, यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो भी आपको लिखना है वो आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। लाइक आपने लिख दिया क्लिक हियर तो लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख देना जो आपको ठीक लगे। तो इससे क्या होगा कि बंदा जब भी इसको ओपन करेगा, आपका एक YouTube एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख जाएगा, एक आपका लिंक हो जाएगा, और ऊपर आपका एक एडसेंस, जो कि एडसेंस वन में मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, ठीक है। एडसेंस का कोड हो जाएगा, आपके 3 प्रमोशन वे हो जाएंगे, आप अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। तीनों में एडसेंस मत डालिएगा, क्योंकि आप एक पेज पे 2 एड यूनिट लगाए तो अच्छा होगा, इसलिए सिर्फ मैक्सिमम आप 2 एडसेंस के कोड ही लगाए, ठीक है। अभी आपका ये चेंज हो गया। सेकंड चीज आपको करना है, नेविगेशन बार को ऑफ कर देना है। नेविगेशन बार से मेरा क्या मतलब है, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये नेविगेशन बार है ब्लू कलर का, इसको मैंने ऑफ कर दिया। एंड सेव अगेन, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं,
रिफ्रेश करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ये एक अट्रैक्टिव सा लेआउट। अभी इसमें एक छोटा सा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक काउंटडाउन भी दिखा रहा है कि हाँ भैया इतना टाइम रह चुका है। इस टाइप से ये पूरा एक मेथड हो गया आप कैसे ब्लॉगर से इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैंने 26 जनवरी का एग्जाम्पल दिया है, आप अदर किसी डे का भी कर सकते हैं, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है अभी तो उसमें 26 जनवरी का ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 26 जनवरी के बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं बाकी फाइलें भी एडिट कर दूंगा। सो डोंट वरी, सारे इवेंट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, स्टेट्स में जाके आपको मैनेज ट्रैकिंग योर ओन पेज व्यू पे जाकर इसको ऑफ कर देना, जिससे आपका पेज व्यू ना ट्रैक करे, वरना अगर आप जितनी बार विजिट करोगे उतना आपको दिखाया जाएगा। आपके जैसे 5 पेज व्यूज टोटल दिखा रहा था, ये मेरे ही दिखा रहा है, ठीक है। अर्निंग का मैं आपको बता दूं कि अभी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा बिकॉज ये एक नया ब्लॉग है, जब इस पे अच्छे खासे विजिटर्स हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा एडसेंस लेबल का। आपके विजिटर्स कैसे होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इस पे विजिटर्स इंक्रीज करने हैं तो आप 15 डेज पहले 26 जनवरी के 15 डेज पहले इसको शेयर करना स्टार्ट कर देना। शेयर कहाँ पे करना है, क्योंकि ये जो है व्हाट्सएप पे वायरल होता है तो आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है। आपको अगर आपको जस्ट सब कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ज्वाइन हो। अगर आप 20-30 ग्रुप में कैसे भी ज्वाइन हो गए जिसमें 100+ मेंबर्स हैं और आपने 10 दिन पहले ये लिंक उसमें डाल दिया तो डेफिनेटली भैया वायरल होना ही होना है, इस पे मिलियंस में भी ट्रैफिक आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है, इस पे ट्रैफिक कैसे लाना है एंड कैसे इसको कस्टमाइज करना है, कैसे आपको इसको मोनेटाइज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज आशीष एंड ऐसी और वीडियोस 28 आपका वेट कर रही हैं। आपको क्या करना है, जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।